नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटीआई टेक्निकल पे। मैं केएल गुप्ता आज आपके सामने एक स्मार्ट मल्टीमीटर का अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं, जो कि हमारे इंजीनियर साहब करने जा रहे हैं। तो बने रहिए, बहुत ही काम का ये वीडियो है और बहुत ही सस्ते में मीटर हमको मिला हुआ है। तो आप भी लास्ट तक बने रहिए, देखिए इसके सारे जो है इसके कार्य करने के जो तरीके हैं, किस तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसको खोलने जा रहे हैं। करवा दी जान। हाँ, तो दोस्तों देखिए हमारे इंजीनियर साहब अब इसको खोल रहे हैं। दिल थाम के बैठिए। और चलिए, ये जो मैनुअल है इसके साथ आता हुआ, और ये ओपनिंग कर रहे हैं। लेकिन आप सब सभी को पता होगा कि ये री ओपनिंग हो रहा है क्योंकि पहले देखना ज़रूरी है कि हमारा, ये देखिए इसका लुक इस तरह कुछ आता है पैकिंग में। और अभी निकाल रहे हैं, क्या बताएं दोस्तों, हमारे इंजीनियर साहब बहुत बिजी आदमी हैं। 24 घंटे में 2-3 बार कॉल जरूर आ जाता है उनके पास देखिए अब इसको निकाल रहे हैं। ये स्मार्ट मल्टीमीटर है, जो कि अभी इसके कार्य के बारे में बताएंगे। बहुत मजाक हुआ, अब सीरियस हो जाते हैं। इसका प्रोब है, प्रोब भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, और इसके जो भी अगर अलग से लेने जाएंगे तो लगभग 100+ में ही ये प्रोब आएगा। इसमें कैप लगा हुआ है, कैप निकाल रहे हैं, निकालिए, आगे भी कैप है। तो आपको एक बार सोच रहे हैं, इसका लुक ऐसा दिखे दिख रहा है, सिग्मा ESG24S स्मार्ट। तो ये वास्तव में स्मार्ट है, जो अगर कोई नया आदमी इसको इस्तेमाल कर रहा है तो उसको काफ़ी सहूलियत मिलेगा, और जो प्रोफेशनल है उनको तो सहूलियत मिल ही रहा है। लगाइए, सबसे पहले तो आपको इसमें बैटरी डालना है। देखिए 2 AA बैटरी इसके साथ मिला हुआ है, और पीछे लगा देना है, उल्टा नहीं लगना चाहिए। अरे कैप कैप कैप, हाँ, इसके साथ एक स्टैंड भी दिया हुआ है। हाँ, वो स्टैंड है, और ये इसमें कुछ ऐड दिया हुआ है, ये अपना कंपनी ऐड दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा कहाँ से है। पटेल नगर न्यू दिल्ली से ही है, भेजा गया है लगता है। और इसको खोलिए, इसको ऑन करने के लिए भी इसमें एक ऑन और ऑफ करने के लिए व्यवस्था दिया हुआ है, और ये प्रोब लगा दिए। बढ़िया से बैठाइए भाई, नए में ओपनिंग मत कीजिएगा। देखिए देखिए, बचा के थोड़ा घुमा के, तो ये देखिए इसको ऑन कर चुके हैं। यहाँ से देखिए कंटिन्यू प्रेस करेंगे इसको, अगर थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ऐसे, देखिए ऑफ हो गया ये पूरा। इसको ऑन करने के लिए थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। तो ऑटो मोड में यह है, और ये स्मार्ट है। और इसमें क्या क्या फीचर हैं आप देख सकते हैं, इसमें 600 वोल्ट तक AC DC ये मेजर कर सकता है, 600 वोल्ट तक। 60 माइक्रो फैरेड एक कैपेसिटर को मेजर कर सकता है। उसके बाद 20 मिली एम्पियर से 10 एम्पियर तक ये एम्पियर मेजर कर सकता है। उसके बाद 1 से 60 मेगा ओम तक, समझ लीजिए मेजर हो गया ये, 60 मेगा ओम तक ये आपका रेजिस्टेंस चेक करेगा। और उसके बाद 1 से ये बीप है, 50 ओम तक इसमें बीप की व्यवस्था है, 50 ओम तक बीप देगा, 50 ओम तक इसमें बीप देगा। और अब एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं कि ये ऑटो पे है, तो ऑटो पे क्या क्या किन किन फीचर पे काम करता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक सेल का EMF देखते हैं, क्या इसका EMF है। तो ज़रा लगाइए, बने रहिए, देखिए 1.472, मतलब 1.5 वोल्ट के समथिंग, क्योंकि पुराना है ये। दूसरा वाला लगा के देखिए इसका वोल्टेज क्या दिखा रहा है, वन पॉइंट फोर फोर एट। तो चूँकि ये रिमोट में चला हुआ सेल है तो ये सही है जितने में है। और अब इसका सेकंड फीचर हम लोग देखते हैं कि ये
रेजिस्टेंस रजिस्टर है, और देखिए कुछ इसको छेड़ा नहीं गया है, छुआ नहीं गया है, उस तरह ये काम कर रहा है। ये कितने वैल्यू का दिखा रहा है, 72.72। ये कितने का है, ये हाथ से उठा रहा है, हाथ से एक 100 के का है। अब इसको नीचे रख के उठाइए, लगाइए, हाथ से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। देखिए 97.3, मतलब कि अराउंडिंग उतना हो जाता है। तो ये 100 के का है, अभी आपको दिखा दे रहे हैं ये इसकी कलर वैल्यू, अगर जान सकते हैं तो भूरा काला पीला है, दिख तो नहीं रहा है। अब दूसरा चेक कीजिए, इत्मीनान हो जाए कि आप अगर इसको ले रहे हैं तो आपको देखिए 2.4, तो 2.2 का ये रेजिस्टेंस है, वो थोड़ा सा नीचे लगा हुआ है, इसके वजह से कुछ इसमें से कंटिन्यूटी दे रहा है, इसीलिए 2. कितना दे रहा है, बढ़िया लगाइए, बढ़िया से लगाइए, 2.2 देखिए, 2.2 का है ये। चलिए ये हो गया, और इसका देखें, हाँ हाँ ये 2.2 का है, ये लाल लाल और गोल्डन 2.2 का है। ये कितना, हाँ इसको देखिए, ये 22 का है, लाल लाल काला, देखिए 21.789, बस 22 समझ लीजिए, 22 हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो रेजिस्टेंस पे तो ये हमारा खरा उतर गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन इसमें डायोड का फीचर नहीं है, लेकिन एक आप कुछ एक क्लू लगा सकते हैं डायोड का। जैसे हमारे पास एक डायोड है, इसको ज़रा लगाइए, चेक कीजिए, देखिए इस पर एक रीडिंग मिल गई आपको, कुछ ना कुछ रीडिंग मिल गया। और उलट के लगाइए, ये नीचे रख के लगाइए, नीचे रख के, हाँ हाथ से सेंस कर रहा होगा, हो सकता है, हाँ उधर से लगाइए, देखिए इधर से हमारा कोई रीडिंग नहीं मिल रहा, दूसरे साइड से लगाइए, देखिए इधर 675.676 है। तो इसे कुछ आप क्लू ले सकते हैं, इसको कह नहीं सकते कि ये डायोड चेक करेगा, और लेकिन क्लू मान सकते हैं, ये क्लू दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा फीचर, सबसे महा फीचर, कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर को चेक करके दिखाया जा रहा है, और कैपेसिटर के लिए इसको अभी सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखिए ये जो है 1.7 का है, माइक्रोफेरेट का, अभी आपको दिखाएंगे, पहले देखिए ये बताता है उस तरह की नहीं बताता है, सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं देखिए रेजिस्टेंस में उठा लिया, हटाइए हटाइए, इसको आप सेलेक्ट करना पड़ेगा कैपेसिटर पे, हाथ हटाइए, नैनोफेरेट में आ गया, देखिए नैनोफेरेट में, अब लगाइए, हाँ ये अब ये माइक्रोफेरेट में, देखिए ये माइक्रोफेरेट ले चुका है, और देख सकते हैं इसको, इसकी लाइट जला दें क्या, हाँ देखिए माइक्रोफेरेट में 1.73, और इस कैपेसिटर का वैल्यू हम आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट 1.7, एक मिनट बदल कर रहा है 1. अब देखिए दिख रहा 1.7 माइक्रोफेरेट का ये है, और ये तो बहुत बढ़िया कैपेसिटर भी बताया, कैपेसिटर पे खड़ा है ये, यहाँ से लाइट बंद कर देखिए, लाइट को इसको जलाने के लिए यहाँ आपको प्रेस करना पड़ेगा कुछ सेकेंड, देखिए बुझ गया लाइट, एक फीचर ये हो गया, लाइट आप देख ही चुके हैं। अब इसको अब ऑटो पे ही है, इसके वोल्टेज को इधर चेक कीजिए, वोल्टेज अभी देखिए, अब डीसी पे इस समय चेक किया जा रहा है, डीसी एमएफ देखिए 1.45 और 4.7 है। अब एसी वोल्टेज ये लगा रहे हैं इसी पे से, देखिए कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, 230 वोल्ट एसी डायरेक्ट, इसमें देखिए डायरेक्ट एसी लग गया है, निकाल के फिर से लगाइए, देखिए। और इसके साथ अब जब हम लगाते हैं, इसके साथ कोई रिले छोटा सा लगा हुआ है, एक आवाज़ करेगा, अभी लगाइए, देखिए देखिए एक आवाज़ किया है, हटाइए, एक खुट से आवाज़ आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर सेलेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था बना हुआ है रिले टाइप में। तो
तो ये हमारा हो गया, एसी डीसी वोल्टेज भी आपका चेक हो गया। और इसका एक फीचर हो, देखिए एम्पियर चेक करने के लिए, वैसे एम्पियर के लिए इस्तेमाल न करें तो ही सही है, क्योंकि 10 एम्पियर तक दिया है। आप इसका एम्पियर, इसका एम्पियर एम्पियर भी चेक करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। एम्पियर के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए लगा दिए। अभी यहाँ सेलेक्ट भी करना पड़ेगा आपको एम्पियर के लिए, देखिए एम्पियर आ गया आपका, लगाइए देखिए 1.9 एम्पियर, स्थिर नहीं हो रहा है, हाँ स्थिर हो गया 1.5 के लगभग में इसका एम्पियर बता रहा है, इतने एम्पियर का यह है। तो ठीक है, ये एम्पियर भी शो कर दिया। और एक फीचर इसका और बहुत ज़ोरदार है, बने रहिए। ज़ोरदार फीचर है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का पता लगाने की इसमें भी क्षमता है कि आप कहीं किसी वायर में करंट बह रहा है नहीं बह रहा है। आप यहाँ से, आप यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, EF पे आप डालेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहाँ देखिए अभी अब लगा रहे हैं एक, इससे ब्रेकेबल वायर भी पता चल जाएगा। लगाइए सप्लाई में, लगा दीजिए नीचे, लगा दीजिए इसे नीचे, लगाइए नीचे लगाइए, हाँ अब देखिए ये सप्लाई लगा चुके हैं। देखिए एक बिलिंग करता हुआ बता रहा है। और सपोज़ अगर कहीं किसी वायर में कहीं ब्रेकेज हो, सीधा कीजिए इसको, यहाँ हम छोटा सा ब्रेक करके रखे हुए हैं, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे सीधा कीजिए, देखिए एक मिनट ये बताता हुआ, एक मिनट हिल जा रहा है ये, हाँ हाँ ठीक है, देखिए देखिए यहाँ बंद हो गया। और यहाँ से आएंगे, देखिए देखिए शुरू हो गया, शुरू हो गया देखिए। तो इसकी एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है, अगर कोई कंडक्टर, अगर चालक उसमें है, चालकता चल रहा है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो आप उसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ हमारा ब्रेक है और कहाँ हमारा सही है कितने भाग में, तो इसको आसानी से चेक कर सकते हो। देखिए इसको खोल के दिखा रहे हैं कि इसमें हमने ब्रेक कर दिया था। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अगर कोई, अगर हमारे बताने में, इसको एक्सप्लेन करने में कोई त्रुटि रह गई हो तो ज़रूर बताएं। देखिए ओपन है, पूरा निकाल दीजिए, देखिए ये हम जोड़ के रखे हुए थे इस तरह से। तो अगले वीडियो के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।